शुक्राचार्य ने श्राप दिया, घमंडी अभिमानी दासी से रिश्ता जोड़ लिया, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। ओरे राजा याद, तू बूढ़ा हो जा, बूढ़ा। शुक्राचार्य के श्राप से याद पे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा। और जब तो तुम जानते ही हो, बुढ़ापे में कोई संगुनाएं दे तो है, बुढ़ापे में सब भूल जाते हैं, तकारी व्यवहारी परिवारी रिश्तेदारी घरवारी सारी सब भूल जाते हैं। ये बुढ़ापा किसी को नहीं भूलता। बुढ़ापा इंसान का बड़ा वफादार होता है, ये किसी को नहीं भूलता। तुम बुढ़ापे को भूल जाओ लेकिन बुढ़ापा तुम्हें नहीं भूलता है। एक विद्वान ये कहता है कि भगवान की हर आदमी के जिंदगी में चार घंटी बजती है, चार। हर आदमी के जीवन में भगवान की चार घंटी बजती है। पहली घंटी बजी, सिर के बाल सफेद हो गए, पहली घंटी बजी। भाग के गए नाई की दुकान पे, करिया करवाया, सोचने लगे अब बड़े बढ़िया लगाते। दूसरी घंटी बजी, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, दूर का दिखाई देना बंद हो गया। तुरंत गए चश्मा बनवाए लाए, सोचने लगे अब बढ़िया दिखा दो, चेहरा हुआ अच्छा लगा तो। तीसरी घंटी बजी, कमर ने साथ छोड़ दिया, घुटनों के बल खड़े हो पाते हैं, बच्चों ने एक छड़ी ला करके हाथ में पकड़ा दी। और चौथी घंटी ना बजाते है, फिर पूरा घंटा बजाते है। बुढ़ापा आ गया महाराज याद पे। और जब बुढ़ापा आ गया, देवयानी ने जाके देखा तो देवयानी रोने लगी। बाद में शुक्राचार्य से विनती की है कि मैंने ये नहीं कहा था मेरे पति को बूढ़ा कर दो, मेरे पति को ठीक करो। शुक्राचार्य बोले, बेटी श्राप नहीं वापस हो सकता, बदलाव कर सकता हूँ। कोई भी महाराज याद को अपनी जवानी दान में दे देता है तब तो ये जवान हो जाएंगे, अन्यथा ये बूढ़े के बूढ़े ही रहेंगे। याद ने महाराज यात ने अपने सभी पुत्रों से कहा है कि हमें जवानी दो। सबने मना कर दिया, लेकिन सर्वेष्ठा के छोटे पुत्र ने